एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सानू पता है की होएगा, तीन कोऑर्डिनेट्स दिते होंगे, जिवें इत्थे दिता होया 3 8 -4 2 5 1। सानू कहणगे इस जो भी ट्रायंगल बनेगी उस ट्रायंगल दा एरिया फाइंड करो। पता है ना 10th क्लास च कीता सी आपां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उहदे विच वी तां आपां फाइंड करदे हुंदे सीगे। तां डिटरमीनेंट दे विच इसनूं किवें एरिया फाइंड करांगे, इक फॉर्मूला है, एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, एक्स थ्री वाई थ्री वन। डिटरमीनेंट दा साइन एक्स वन वाई वन वाई टू सब पुट कर दो, अंदर वाली चीज़ का डिटरमीनेंट फाइंड कर दो। डिटरमीनेंट फाइंड करके 61 आ गया, तो आंसर कितना हो गया 61/2। बस खत्म, एरिया फाइंड हो गया। एक बड़ी कमाल की गल है, 10th क्लास आपां फॉर्मूला किया ना, हाफ इंटू एक्स वन वाई टू माइनस वाई वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, वो इतों ही बनया, वो इतों ही बनया। आ देखो हाफ तो उत्थे भी लगाते सीगे, इतें भी लगाने, अंदर जिहड़ी चीज़ है वो किवें बनी है। देखो पहला एक्स वन लिखा हुआ है, आ 10th क्लास वाला, 10th क्लास वाला, आ 10th वाला है, ये 12th वाला है। एक्स वन एक्स वन एक्स वन वाली कॉलम छड़ दो, एक्स वन वाली रो छड़ दो, तो की आ गया वाई टू माइनस वाई थ्री। बट इतने दिक्कत की, इतने प्लस सीगा, इतने माइनस आ रहा, अपना माइनस क्यों आ रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस। चलो कोई गल नहीं, मैं माइनस लिखता। एक्स टू रो छड़ दो, कॉलम छड़ दो, की आ गया वाई वन माइनस वाई थ्री। बट साढ़े को सीगा वाई थ्री माइनस वाई वन, तो माइनस कॉमन कढ लो, जो माइनस कॉमन कढ़ोगे आही चीज़ बन जूगी 10th क्लास वाली। इधर आ जाओ, प्लस एक्स थ्री एक्स थ्री एक्स थ्री इतें भी, एक्स थ्री इतें भी है, रो छड़ दो कॉलम छड़ दो, की बच गया वाई वन माइनस वाई टू, वाई वन माइनस वाई टू, इतने भी तो वाई वन माइनस वाई टू सीगा। तो ये 10th क्लास वाला फॉर्मूला है, ये 12th क्लास वाला फॉर्मूला है, 10th वाला इतों बनया। उदों यह चीज़ नहीं दसी गई भी यह बनया किवें है, क्यों, क्योंकि सानू डिटरमीनेंट असी पढ़े ही नहीं सीगा। हुण असी डिटरमीनेंट पढ़ लिया, हुण सानू समझ आ गई कि अच्छा जो असी पढ़िया सीगा वो ये चीज़ सीगी। ठीक है, एक गल तो है, ये तो बहुत सौखा क्वेश्चन हो गया कि कॉर्ड, वैसे ये औखा, वैसे औखा कुछ बनता भी नहीं है। तो सब तो ईजी लैवल है कि थोड़ा कोऑर्डिनेट दिते हुए पुट कर दो। एक गल ध्यान रखनी है, आह चीज़ मॉडुलस ही होएगी, क्योंकि अगर नैगेटिव अंदर वैल्यू नैगेटिव आ रही है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो नैगेटिव हो नहीं सकता, तब मॉडुलस तो बाहर आके वो चीज़ पॉजिटिव होकर निकलेगी। मान लो इनू सॉल्व करके, डिटरमिनेंट सॉल्व करके नैगेटिव आ रहा होंगे, मान लो अंदर बन रहा होंगे -61, तो जो मॉडुलस से बाहर कटोगे वो 61/2 ही हो जाएगा। ठीक है, चलो एक तो ये केस हो गया। एक थोनू ये चीज़ पता होएगी, अगर रूट एक्स इज इक्वल टू 5 है तो एक्स की वैल्यू दसो की होएगी। मॉडुलस है, प्लस मॉडुलस माइनस 5 हाँ, सो 5 होएगी, एक्स होएगा प्लस माइनस, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 5, क्योंकि 11th क्लास में वो चैप्टर नहीं पढ़ा सीगा लाइन वाला, जिस आप लाइन की इक्वेशन फाइंड करते होंगे वो सीखा था सीखा कॉन्सैप्ट है। वैसे भी चलो छोड़ो 11th छोड़ो, तुम ये तो कॉमन सेंस की गल है, मॉडुलस के अंदर एक्स है, एक्स इज इक्वल टू 5 है। हुण मैं थोनू दस्या कि मॉडुलस के अंदर जो भी वैल्यू होएगी वो बाहर बाहर आके पॉजिटिव होकर निकलती है, तो एक्स की वैल्यू -5 भी तो हो सकती है। ये जो -5 पुट कर दो तो बाहर आके तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव 5 पुट कर दो बाहर आके पॉजिटिव ही रहेगा, तो मतलब एक्स की दो वैल्यू हो सकती है ना, +5 भी हो सकता है -5 भी हो सकता है, डिपेंड करता है एक्स की वैल्यू पे। मॉडुलस का काम है नेगेटिव नू पॉजिटिव करना, तो मतलब एक्स की दो वैल्यूज होनी है, गल ध्यान रखनी है। +1 च सीखा है वैसे आप, पता नहीं थोड़े क्यों नहीं याद हैगा, यह मैं तां दस रहा हूँ, यह मैं तां दस रहा हूँ, जो तुसी इस इन्हां क्वेश्चनों नू सॉल्व करोगे ना, अंदर एवें दियां कुछ सिचुएशनस बनणगियां, वी थोनू एरिया ऑफ ट्रायंगल दिता होया 5, ते अंदर जो भी चीज़ बन रही है वह बन रही है के -3, मान लो एवें दा कुछ बन रहा है। ठीक है, तो एरिया के दी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इधर आ गया 10, 10 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ के -3।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਡੂਲਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡੂਲਸ ਹਟਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 10 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੇ ਮਾਈਨਸ 3 ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਕੇ ਮਾਈਨਸ 3 ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ 10 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਣਗੀਆਂ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਦੇਵਨ ਸਮਝ ਆਇਆ हाँ जी सर। है ना? करिए शुरू, क्वेश्चन शुरू कर दें आप। जेडिया सारा दो वैल्यूज आएंगे या सारे दोनों नाल सर सेम एरिया निकलेगा? हाँ, बिल्कुल। एरिया बस नेगेटिव नहीं होना होना चाहिए था। देखो जी, मैं थोड़ी थोड़े कोले बुक तो हैगी है ना सारे कोले? हाँ जी सर। जी सर। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 17-18 पढ़ के देखो, उदो बाद ये पढ़न तो बाद क्वेश्चन सॉल्व कर दो। मेरे करवाण वाला ये एक दो गल्लां दसन वाली ने, मेरे दसन वाली हैगी ने, बट पहला 17 से 18 एग्जाम्पल पढ़ो, समझो उसनों। सर केडी एग्जाम्पल? एग्जाम्पल 17 ते एग्जाम्पल 18, 122 पेज है। अठारहवीं आई नहीं सर समझ। ठीक है, कोई गल नहीं। चलो, थोनू 17वीं एग्जांपल समझ आ गई ना? 17वीं सतारवीं तो समझ आ गई ना? ठीक है। हुण मैनूं ये दसो, ये तीनों पार्ट हो जाएंगे? 4.3 एक्सरसाइज के पहले के तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इन्हें? हाँ जी सर। सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी ने? हो जाएगा सर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ते आ जाओ। कोई आइडिया दे सकते सेकंड क्वेश्चन किवें करांगे? एरिया जीरो पुट कर देंगे। हाँ, ये तीनों पॉइंट कोलीनियर ने। कोलीनियर पता है ना, वह पॉइंट जो इको लाइन पर आ रहे हूँ, ये तो पता ही होना चाहिए। हूँ तो 12th क्लास है थोड़ी, तो तीनों पॉइंट कहते, तीनों पॉइंट कोलीनियर ने, तो तुम की करो, तिना का एरिया जीरो के इक्वल रख लो। नहीं, आप प्रूव करना है कि ये कोलीनियर ने ना, ना जीरो के इक्वल नहीं रखना, प्रूफ शो करना है भी ये कोलीनियर ने। तो तुम की करो, ये एरिया फाइंड कर लो। अगर एरिया फाइंड करके जीरो आ गया तो यह मतलब यह कुलीनियर ने। देखो हम करना कि मैं आ देखो, ये सॉल्व तुसी करना। क्वेश्चन नंबर बोलो सर केड़ा है? सेकंड सेकंड सर, एदा डिटरमिनेंट फाइंड कर लो, सारा कुछ अंदर कट जाएगा तो जीरो बन जाएगा। तो जीरो आ गया, मतलब है कि सर इसको ऐसे कर सकते हैं, रो फॉर्मेशन और कॉलम फॉर्मेशन से? केड़ा कह रहे हैं, सेकंड एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग कह रहे हैं तू? यस सर, हाँ, उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन था ना। हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट हजे मैं सेकंड एक्सरसाइज नहीं करवाई, इस करके मैं वो कॉन्सेप्ट नहीं दस रहा हजे। उमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हैगी, बट ये सौखा ही है, उमें हो जाएगा। अगे आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन की कह रहे हैं? कहिंदा फाइंड द वैल्यू ऑफ के
अगर एरिया 4 यूनिट है तो एरिया 4 दे इक्वल रख, इक्वल रख लो के दी, के दी वैल्यू फाइंड कर लो। मैनू ये दसो पहला पहले तीन क्वेश्चन च कोई दिक्कत, बुक च एक बारी नजर मारो पहले तीन। नो सर। ठीक है हुण पंजवें क्वेश्चन दे नजर मारो, पंजवा क्वेश्चन हो जाएगा एमसीक्यू टाइप। हां जी सर। यस सर हो जाएगा, हो जाएगा सर। ठीक है चौथा क्वेश्चन दा पहला पार्ट अगर मैं थोनू कहां भी डिटरमिनेंट नाल नहीं करना भी वैसे मैनू दसो कोई आंसर कर सकदा इस क्वेश्चन दा बिना डिटरमिनेंट तो लाइन दी इक्वेशन किवें बनाओगे तुसीं? कर लांगे सर। चौथे दा पहला पार्ट कर लांगे सर। किवें फाइंड करेंगे अभिषेक सर? वो वाला m वाला फार्मूला ला लेंगे y2 - y1 x2 - x1 उस तो m दी वैल्यू स्लोप स्लोप वाले फार्मूले y = mx पहला स्लोप कटेगा की लोड नहीं हैगी? हां जी सर पहला स्लोप कट के फिर इक्वेशन ऑफ लाइंस पुट कर देंगे x - x1 = m y - y1। शाबाश शाबाश शाबाश। बट हुण पता है की है ओमे नहीं लगा करना सी डिटरमिनेंट वाले मेथड नाल करना है ता डिटरमिनेंट वाले सर हो जाएगा x और y लेंगे और एरिया 0 पुट कर देंगे। हां क्योंकि क्योंकि लाइन है उन्होंने खुद ही कहा है भी लाइन दी इक्वेशन है तो लाइन दी इक्वेशन है तो एरिया तो 0 ही होएगा है ना। बट दिक्कत ये है एरिया तो 0 रख देंगे बट कोऑर्डिनेट्स 3 दिए हुए ने 2 दिए हुए ने एक आ दिया हुआ है एक आ दिया हुआ है तीजा तो है ही नहीं जबकि ਸਾਡੇ ਕੋਲ हां ਉਹਨੂੰ x ਤੇ y ਲੈ ਲਓ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ 1 2 ਹੈ ਇੱਕ 3 6 ਹੈ ਇੱਕ 1 2 ਹੈ ਇੱਕ 3 6 ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ x y ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ x y ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਹਾਫ x y 1 1 3 2 6 1 1 ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਏਰੀਆ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖੋਗੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਇਥੋਂ ਜੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ x ਐਂਡ y ਬਣੇਗੀ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ठीक है कोई प्रॉब्लम? हाँ देखो हाँ देखो इन्होंने नीचे एक्स वाई लिया हुआ है कोई जरूरी नहीं है उपर ले लो तुसी जिधर मर्जी ले लो तो आ देखो अंदर डिटरमिनेंट फाइंड किया इक्वल टू कि रख लिया 0 दे बस आंसर आ गया। तो सॉल्व कर दो एक्सरसाइज कोई दिक्कत है तो पूछ लो। क्लास खत्म सर। सर 18वीं एग्जांपल क्रिएट 18 सर 18 सेम ही है सर ਉਹੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਦੇਵਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਹੁਣ 18ਵੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਸੇ ਤਾਂ 3 ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਸਰ ਉਹ ਜਾਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 18 0 ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਰ ਕਰੰਟ ਸਰ ਜੇ 0 ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇਹ इक्वेशन बना ली तो 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਰੱਖੋਗੇ ਇੱਕ ਚ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚ 3 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖੋਗੇ ਜਸ ਕਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਵਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 18 ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਕ ਸਕਰੀਨ ਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੀਵ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਦੇਵਨ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ 2 ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੀਜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਫਿਰ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਨੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ सब तो वड्डी ते लेंथी लेंथी एक्सरसाइज रहेगी ताही मैनू लास्ट तक बचा के रखा हुआ सीगा बहुत बहुत लेंथी एक्सरसाइज है ते अगर डिटरमिनेंट चो क्वेश्चन आंदा पेपर च ਤਾਂ 99% ਚਾਂਸ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4.2 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਬਟ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਇਹਦੀ ਸਰ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਲੇ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਚ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਚ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਸਾਰੇ 4.2 ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ 4.2 ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਬਸ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਰ ਸਰੀਆਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ सॉल्व करो ये 4.3 एक्सरसाइज सो पहले क्वेश्चन पहले पढ़ लेके दस रहा है पहले तो आया है 15/2 ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਕਲਾਸ ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦੇ 3 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵਰਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੇ ਲਾਣੀ ਹੋਈ ਲਾ ਲਈਓ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ